हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज हम जो न्यूमेरिकल लेके आए हैं, ये न्यूमेरिकल बेसिकली एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। गेट 2001 में पूछा गया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर हैड पर फेज रिएक्टेंस, आपका दिया हुआ है पर फेज रिएक्टेंस एक्सेस की वैल्यू दी गई है, क्लियर। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये आपका एक्सेस का वैल्यू दिया हुआ है, आपका 10 ओम, यानी एक्सेस की वैल्यू क्या है आपकी 10 ओम है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये एक बैलेंस कैपेसिटिव लोड, कई लोग के जहन में क्या होता है कि बैलेंस कैपेसिटिव लोड करंट ऑफ 20 एम्पियर ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लोड है वो प्योर कैपेसिटी हो गया। नहीं, बैलेंस कैपेसिटिव लोड ऑफ 20 एम्पियर है। क्यों क्यों इसको बैलेंस बोला गया है? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इट इज डिजायरेबल टू हैव 0 वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्लियर। तो लोड आपका जो कैपेसिटिव लोड है वो इस तरीके से है, इतने एंगल के साथ लीड कर रहा है ताकि आपका जो लोड है वो क्या हो जाए, वोल्टेज रेगुलेशन की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन जो आ रहा है उसकी वैल्यू हो जाए आपकी 0, यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 हो जाए। क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि ई पी एच की वैल्यू, स्टार कनेक्टेड है तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका ई पर फेज है यानी ई एफ की वैल्यू, अगर हम बात करें तो ई एफ की वैल्यू है 440/√3 वोल्ट, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जे एक्स एस की वैल्यू, यानी एक्स एस की वैल्यू आपको दी गई है 10 ओम, और लोड जो है वो बैलेंस कैपेसिटिव है जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 हो जा रहा है। उस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि लोड पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर वी और आई ए के बीच का एंगल क्या है? थीटा, क्लियर। तो यहां से तो क्लियर है कि यहां पे ये करंट आई ए जनरेट हो रहा है, क्लियर। इसके अक्रॉस हमारा टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वी टी, क्लियर। तो जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? केवीएल जब हम अप्लाई करते हैं तो ई एफ की वैल्यू आपको मिल जाती है वी टी प्लस जे आई एक्स एस के बराबर, क्लियर, ठीक है। ये चीज हमें पता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि देखो डाटा केवल आपको ई एफ दिया और एक्स एस का दिया हुआ है और वोल्टेज रेगुलेशन आपको 0 हो जाता है ये दिया हुआ है और आपसे पावर फैक्टर की वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हमारे पास फेजर डायग्राम होना चाहिए। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। तो वी टी को हमने क्या किया, रेफरेंस लिया, ये हमारा वी टी हो गया, वी टी एंगल 0, क्लियर। और करंट क्या करेगा, करंट इससे लीड कर रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि आइए जो करंट है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के साथ लीड कर रहा है। आप खुद सोचो, आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है लोड का, अगर ये प्योर कैपेसिटी हो जाता तो ऑब्वियस ही बात है पावर फैक्टर तो 0 हो जाता, कॉस 90 वैल्यू 0 आ जाती, क्लियर, क्योंकि कैपेसिटर केस में करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, क्लियर। अभी ये हो गया आपका वी टी और ये हो गया आपका आई ए, ई एफ की वैल्यू क्या है, वी टी प्लस जे आई एक्स एस के बराबर, यानी आई ए से 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको जो फेज मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो मिलेगा आपका, ये एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, क्लियर। तो 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको मिल गया जे आई ए एक्स एस, क्लियर। आई ए के फेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको जे आई एक्स एस मिल गया और ये वैल्यू हो गई आपकी ई एफ की, क्लियर। ये फेजर हमने कई बार पढ़ा था जब ऑपरेशन का इलेक्ट्रिसिटी से हमने देखा था अल्टरनेटर और मोटर केस में, आप वीडियो देखिएगा, क्लियर। तो वहां पे हमने अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, नॉर्मली एक्साइटेशन, इन सब चीज के बारे में बात की थी, तो वहां पे हमने इसको क्लियरली देखा था, क्लियर। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम सीधे सीधे फेजर का ही यूज करते हैं। अगर मैं इसको ओ मानूँ, ये पॉइंट ए मानूँ, तो और इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, क्लियर। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। मैंने सी से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया और सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मुझे मिल गया डी, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका जो एसी है, एसी की वैल्यू अगर हम देखें तो एसी की वैल्यू क्या है आपकी, आई ए एक्स एस के बराबर है। मैग्नीट्यूड के टर्म में आप केवल बातें करेंगे क्योंकि हमने फेजर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, क्लियर, ठीक है। तो एसी की वैल्यू आपकी आई एक्स एस के बराबर है, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका थीटा है, क्लियर।
ये आपका आईए का फेज है, आईए के फेज और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल की वैल्यू क्या हो जानी आपकी 90 माइनस थीटा के बराबर। टोटल एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया 90 माइनस थीटा के बराबर। क्लियर। तो एसी आपका आई एक्सेस है। अगर मैं यहां पर ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि ओए की वैल्यू क्या होगी ये आप लिखो, तो आप क्या लिख सकते हो, ओए इक्वल टू ओडी प्लस डीए। क्लियर। या ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओडी हो जाएगी आपकी ओए माइनस डीए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम कभी भी सॉल्व करते हैं जब प्रॉब्लम फेजर से रिलेटेड, तो हम ये देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर ट्रायंगल क्या बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखोगे आपको, तो ओ सी डी जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। वो क्या आपका एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल। क्लियर। तो अगर हम ओ सी डी जान जाए, तो ओ सी की वैल्यू ऑलरेडी आसानी से निकाल सकते हैं। ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ओडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर के बराबर। क्लियर। तो OD की वैल्यू क्या होगी, OA माइनस DA के बराबर। OA की वैल्यू क्या आ जानी आपकी, ऑब्वियस सी बात है OA आपका VT के बराबर है। माइनस DA की अगर मैं बात करूं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। AC की वैल्यू आपको पता ही है कि IA एक्सिस के बराबर है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो AD के बराबर हो जाएगा, DA के बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, ये AC की वैल्यू क्या है आपकी, IA एक्सिस, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाना है, VT माइनस IA एक्सिस sin थीटा, ये आपको मिल गया ओडी। क्लियर। इसी तरह एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीडी, सीडी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एसी। अगर हम सीडी की बात करें, तो सीडी क्या एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एसी ही तो है। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीडी की वैल्यू, सीडी की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई ए एक्सेस साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा के बराबर, आई एक्सेस कॉस थीटा। क्लियर। तो हमें क्या है, एओडी पता है, हमें सीडी पता है, सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करो तो क्या जाना है यहाँ पे, ओसी, ओसी की वैल्यू क्या आपकी ईएफ के बराबर। इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ओसी की वैल्यू क्या आपकी ईएफ के बराबर है। आप फेजर देख भी सकते हैं, एंड अंडर रूट ओडी की वैल्यू किसके बराबर है आपकी, वीटी माइनस आई ए एक्सेस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। यहां से अब हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में सब कुछ निकाल लिया। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब हो सकता है, क्वेश्चन ये होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ई एफ माइनस वी टी, ये सारा मैग्नीट्यूड के टर्म में होता है, अपॉन वी टी इंटू 100 परसेंटेज। अगर रेगुलेशन हम कैलकुलेट करने बैठे तो ये हमारा निकलेगा। तो ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, कि आपका ये वैल्यू जीरो कब होगा, ये तभी होगा जब ई एफ का मैग्नीट्यूड वी टी के बराबर हो जाए, यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, ई एफ के बराबर। तो जहां जहां आपको वी टी दिख रहा है, वहां आप क्या करेंगे, ई एफ के बराबर इसको पुट कर देंगे। तो मैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर वन मान लिया मैंने इसको, इसका स्क्वायर किया, तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू वी टी की वैल्यू क्या पुट कर दें हम, ई एफ, क्यों ई एफ पुट कर रहे हैं, क्योंकि ई एफ की वैल्यू हमें पता है कि 440/√3 के बराबर है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको निकालिए, ये ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू ई एफ आई ए एक्सेस साइन थीटा प्लस आई एक्सेस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखेंगे तो कॉस थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहां से आई एक्सेस का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन के बराबर। ई एफ स्क्वायर से ई एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू आई ए एक्सेस का स्क्वायर माइनस टू ई एफ आई ए एक्सेस साइन थीटा। क्लियर। तो यहां से आई एक्सेस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिल जाएगा कि आई एक्सेस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ ई एफ साइन थीटा के बराबर। क्लियर। तो यहां पे हमें सारी वैल्यूज पता है, तो साइन थीटा क्या हो जाना है आपका, साइन थीटा हो जाना है आपका आई ए एक्सेस अपॉन टू ई एफ।
हमें आई ए भी पता है, हमें एक्सएस भी पता है, हमें ई एफ की वैल्यू भी पता है, तो सारी वैल्यू हमें क्या करना है, बस पुट कर देना है। क्लियर? तो आई ए की वैल्यू आप कितना दिया गया है, 20 एम्पियर, इंटू एक्सएस की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 ओम, अपॉन 2, इंटू ई एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 440/√3। क्लियर? सारी वैल्यू इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल गया कि 0.394 के बराबर। ये आपको साइन थीटा मिल गया। ऑब्वियस ही बात है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली वैल्यू आप निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, मतलब कैलसी यूज करके आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.9192 के बराबर। यानी आपका जो पावर फैक्टर आया वो क्या आ गया, अप्रॉक्सिमेटली 0.92। क्लियर? तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको यही मिलेगी, 9.92 के बराबर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? जैसा कि एक तरीका मैंने ये बताया, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो यहां पर अगर आप फेजर को ध्यान से देखो तो आपका फेजर यही है, ये आपका वी टी, ये आपका जे आई एक्स एस। क्लियर? ये आपका वी टी। क्लियर? और इसका जो रिजल्टेंट मिल जा रहा है वही आपका क्या है, ईएमएफ है। तो एक तरीका तो ये है, आप प्योर, क्लियर, आप क्या करो, प्योर ज्योमेट्री मेथड यूज करके उसको कैलकुलेट कर लो, या आप इसको क्या कर सकते हो, पैलोग्राम थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने आई एक्सएस की पैरेलल लाइन यहां पे मान लो ड्रॉ करी। क्लियर? आई एक्सएस के पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करी, यहां पे वी टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या आपकी, ये वैल्यू है वी टी के बराबर, ये वैल्यू है क्या आपकी, आई ए एक्स एस के बराबर, और इन दोनों का जो वेक्टर सम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, वो ई एफ के बराबर मिल रहा है। ये एंगल आपका कितना है, ये तो आपका पावर एंगल डेल्टा होता है, लेकिन ये एंगल अगर आप देखें, ठीक है, ये टोटल एंगल आपको उस फेजर में ले चलते हैं, आपको वहां से आसानी से दिख जाएगा। आईए और वीटी के बीच का जो फेजर एंगल है, मतलब आईए एक्सिस का जो एक्सिस है और जो वीटी का एक्सिस है उसके बीच का जो फेज एंगल है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, 90+ थीटा के बराबर। यानी दोनों वेक्टर के बीच का जो फेजर डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 90+ थीटा। तो यहां पे हम पैरेललोग्राम थ्योरम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये एंगल आपका हो गया 90+ थीटा। क्लियर? तो पैरेललोग्राम से क्या हो जाता है आपका, ई एफ की जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती, या ई एफ स्क्वायर क्या होता आपका, ये आपका वी टी स्क्वायर प्लस आई एक्स एस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ VT इंटू आई ए एक्स एस साइन कॉस 90+ थीटा। दोनों के बीच का एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 90+ थीटा। यानी वी टी वेक्टर और आई एक्स एस वेक्टर के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 90+ थीटा का है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है, यही आपका पैलोग्राम थ्योरम होता है। इससे भी आप कह सकते हैं, सेम चीज निकल के आएगी जो आपने देखा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बाद में हमारे पास जो आया है डाटा वो सेम चीज आया, ई एफ स्क्वायर प्लस आई एक्स एस का साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 IF है, आई एफ आई एक्स एस साइन थीटा प्लस आई एक्स एस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो ये आई एक्स एस का होल स्क्वायर आ जाएगा, सेम चीज आ रहा। क्लियर? यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, वी टी की वैल्यू ई एफ के बराबर पुट करना है, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए इसमें और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते थे, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता था वो जानने की कोशिश करते हैं। आपसे पावर एंगल भी पूछा जा सकता था कि पावर एंगल की वैल्यू क्या हो, डेल्टा की वैल्यू। एक तरीका ये है कि ई एफ की वैल्यू जो होती है वो वी टी प्लस जे आई एक्स एस के बराबर होता है। आपको पावर फैक्टर पता चल गया है, क्लियर, आपको पावर फैक्टर पता चल गया है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी पता चल गया होगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी टी एंगल 0 डिग्री प्लस जे आई ए को लिख सकते हैं मैं आई ए एंगल थीटा, क्योंकि ये लीडिंग है, इंटू एक्सएस। क्लियर? तो यहां से हम इसको पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन करके, फिर उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करके, इसको फिर रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ई एफ एंगल डेल्टा आ जाएगा, आपको यहां से डेल्टा की वैल्यू भी मिल जानी है। कंडीशन क्या पुट करेंगे कि वी टी की वैल्यू ई एफ के बराबर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, आप यहां से देख सकते हो दूसरा तरीका।
यहां पे ध्यान दो, ये एंगल आपका क्या है, डेल्टा है, क्लियर। जब ये एंगल डेल्टा है, ये हमने क्या लिया था, ओ ए सी एंड डी, या डी लिया था इसको हमने, ये आपका ए था, क्लियर। तो यहां से अगर मुझे डेल्टा कैलकुलेट करना है तो मैं बोल सकता हूं कि टैन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सी डी अपॉन ओ डी के बराबर। और सी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, आई एक्स एस कॉस थीटा अपॉन वी टी माइनस आई एक्स एस साइन थीटा, क्लियर। यही आया था हमारा, केवल हमें क्या करना है, वी टी की वैल्यू ई एफ के बराबर पुट कर देनी है, हमें आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो टैन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जानी है, आई एक्स एस कॉस थीटा अपॉन ई एफ माइनस आई एक्स एस साइन थीटा। सारी वैल्यूज हमें पता है, हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मान लो आपने कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकाली होती, तब आपसे सीधे केवल पावर एंगल पूछ दिया गया था, तब आप क्या करते हैं? देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कंडीशन पे आपको एक रिलेशन मिला है। वो रिलेशन क्या है, आई एक्सएस की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ ई एफ साइन थीटा के बराबर होना, आई एक्सएस की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ ई एफ साइन थीटा के बराबर होना, क्लियर। तो हम यहां पे आई एक्सएस की वैल्यू टू ई एफ साइन थीटा डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया अपॉन ई एफ माइनस टू ई एफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा के बराबर, वन माइनस साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा के बराबर। तो साइन थीटा टू साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, ये क्या आ गया आपका, टैन टू थीटा, क्लियर। तो यहां से आपका टैन डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टैन डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा टैन टू थीटा, यानी डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी टू टाइम्स ऑफ थीटा। तो थीटा आपको ऑलरेडी पता ही है, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 23.182 डिग्री, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग 46.1, ठीक है, 46.46, क्लियर, ये आपका पावर एंगल आ जाएगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। इसका दूसरा अप्रोच देखते हैं कि दूसरे अप्रोच से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। हमें क्या पता है, हमें पता है कि आई ए एक्सएस की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ ई एफ साइन थीटा के बराबर है, एक ये रिलेशन हमें पता, क्लियर। अब हमें निकालना है मान लो पावर एंगल, तो पावर एंगल को हम दूसरे अप्रोच से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप फिर से उसी इक्वेशन पे जाइए, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये आपका दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी टी माइनस ई एक्सएस साइन थीटा के बराबर, और एक आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है आई एक्सएस कॉस थीटा के बराबर, क्लियर। यानी अगर हम फेजर से इसको रिप्रेजेंट करके कोरिलेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ई एफ की वैल्यू जो आएगी वो वी टी माइनस आई ए एक्सएस साइन थीटा प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्सएस कॉस थीटा के बराबर है, क्लियर। क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। मैं ई एफ को क्या लिख सकता हूं, ई एफ एंगल डेल्टा, क्लियर। तो ई एफ एंगल डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं, ई एफ कॉस डेल्टा प्लस जे ई एफ साइन डेल्टा, क्लियर। यहां से भी हम क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका वो है ही, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई एफ कॉस डेल्टा की वैल्यू या तो वी टी माइनस आई एक्स एस साइन थीटा के बराबर ले लो, या ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ कोरिलेट कर दो। तो ई एफ साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जानी है, ये हो जानी है आपकी आई ए एक्सएस कॉस थीटा के बराबर, क्लियर। और आई एक्सएस की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स ऑफ ई एफ साइन थीटा के बराबर, क्लियर। ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट, साइन डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, साइन टू थीटा के बराबर, अगेन डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टू टाइम्स ऑफ थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को
मेन क्या होता है, एनालाइज करने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे अप्रोच लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछा सकता था कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू गिवेन होती, क्योंकि यहां पे क्या है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन दे दिया है, बट अगर मान लो टर्मिनल वोल्टेज दिया होता, वोल्टेज रेगुलेशन आपको नहीं दिया गया होता, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी आपसे कैलकुलेट करा सकते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।